फ्रेंडशिप डे आ रहा है और आप सारे बहुत क्रेजी हो गए अपने फ्रेंड को कार्ड्स देने के लिए, बैंड्स देने के लिए, बट इस बार आप फ्रेंडशिप डे पे कार्ड्स खुद बना के अपने फ्रेंड्स को दो तो फ्रेंड को बहुत अच्छा लगेगा कि वाओ मेरे फ्रेंड ने कुछ क्रिएटिव वर्क मेरे लिए किया है। तो आइए एक बहुत सिंपल और इजी मेथड से कार्ड बनाते हैं। कार्ड के लिए मैंने लिया हैंडमेड पेपर, बिकॉज हैंडमेड पेपर का खुद अपना ही एक टेक्सचर अपना वो होता है तो लुक अच्छा आता है। मैंने पर्पल कलर लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग टू चॉइस ले सकते हैं, देखो इसका टेक्सचर अपने आप ही एक अलग सा होता है जो लुक वाइज अच्छा आएगा। ठीक है, इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद ये जो साइड के स्ट्रिप्स है इसको इक्वली हम कट करेंगे फ्लावर के उसमें। ठीक है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स के। तो ये हमने और ये सारे हम ये फ्लावर्स कलेक्ट करके रखेंगे, हम इसको बाद में भी यूज करेंगे। बट ये कटिंग करके शेप तो आ गया है बट ये भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको ब्यूटीफुल लुक देने के लिए हम यहाँ पे दूसरा कलर यूज करेंगे, पिंक या जो भी आप कंट्रास्ट में आप यूज करना चाहो, और इसको फिर यहाँ स्टिक करेंगे। ओके, इट्स वेरी सिंपल। आगे पीछे जो भी डिजाइन आ रही है उसके लिए हम परेशान नहीं होंगे क्योंकि हम बीच में मैसेज के लिए एक एक्स्ट्रा पेपर लगाएंगे। ठीक है, ये पेस्ट कर लिया। अब ये कलर बहुत अच्छे से हाईलाइट हो रहा है बट ये जो साइड में एक्स्ट्रा है हम इसको कट करके हटा लेंगे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सारा कुछ शेप के अकॉर्डिंग रहे तो ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो जो भी एक्स्ट्रा पेपर्स हैं हम इसको हटा लेते हैं। मैंने एक्स्ट्रा पार्ट्स जो है कट करके निकाल लिया। अब इस कार्ड का थोड़ा सा लुक आ रहा है। अब ये सेंटर को डेकोरेट करने का, ठीक है, ये फ्लावर्स हमने सेव कर रखा है, बाद में इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सेंट्रल में आप कोई भी डिजाइन दे सकते हो, फ्लावर, बटरफ्लाई या फिर जो भी आप गर्ल्स जो भी आपको चाहिए। मैं यहाँ पे सिंपल सा हार्ट शेप देती हूँ। ठीक है, ये हार्ट शेप दे दिया। अब हम इसको सीजर से कट करके हार्ट को निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कट करके हमने निकाल लिया बट वंस अगेन कोई लुक नहीं आ रहा। इसके लिए हम फिर से सेम कंट्रास्ट में ये पेपर लेके यहाँ पे इसको स्टिक करेंगे। ठीक है, तो फेविकोल लेते हैं, फेविकोल को साइड में शेप में लगाते हैं। और फिर इस पेपर को ये हमने स्टिक कर लिया। स्टिक करके ये थोड़ा सा खोलिए इसको। ठीक है, अब ये जो फ्लावर्स थे हमारे पास जो हमने कट करके लगाए थे ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में इसको स्टिक करेंगे, है ना, ब्यूटीफुल सा लुक जो हमने उस टाइम पे सेव किया था। ये हम ऐसे ऐसे और ऐसे ग्लू के हेल्प से इसको हम स्टिक करते हैं। तो ये हमने ये सारे फ्लावर्स को जो है स्टिक कर लिया। ठीक है, ये ऐसे लुक आ गया। अब यहाँ पे हम ये जो साइड का एरिया है ये थोड़ा सा रफ रफ सा लुक दे रहा है। ठीक है, इसको हम सिल्वर ग्लिटर से या जो भी ग्लिटर आप चूज करना चाहें उसके हेल्प से इसको सराउंडिंग्स बनाएंगे, और जो भी मैसेज भी लिखना चाहे, बिकॉज हमने पर्पल कलर चूज़ किया है, पर्पल पे सिल्वर हाईलाइट होगा तो इससे हम जो भी मैसेज लिखना चाहें उसको हम लिखेंगे। ओके,
ये हमने डिज़ाइन दे दिया, ठीक है फ्रेंड्स फॉर एवर। बट अगर आपको लगता है कि यहाँ पे भी आप सेम कटिंग से फ्लावर्स बनाते हैं बना सकते हैं, बट अभी हम सबसे पहले इसको थोड़ी देर ड्राई होने देंगे ताकि मैसेज और ये हार्ट थोड़ा सूख जाए, ठीक है। तो अभी इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ते हैं। ये हमारा मैसेज और कार्ड थोड़ा सा ड्राई हो गया है, बट ये अंदर का लुक अभी भी थोड़ा सा रफ सा आ रहा है और मैसेज लेकिन इस पर मैसेज भी हाईलाइट नहीं होगा, इसलिए कोई भी कलर का शीट पेपर लेके हम इसको अंदर स्टिक करेंगे। तो मैंने ये डार्क बैग लिए, तो मैंने लाइट पर्पल कलर चूज़ किया है। इस पेपर को शीट फोल्ड करके हम अंदर इसको स्टिक करेंगे पूरा, ताकि ये जो रफ वर्क है वो भी हमारा कवर हो जाए और हम मैसेज भी लिख लें। तो इसको स्टिक करते हैं। ये हमने स्टिक कर लिया और ये रेडी हो गया। तो विद इन 5 मिनट्स ब्यूटीफुल सा क्रिएटिव सा ग्रीटिंग कार्ड रेडी हो गया। तो इस बार फ्रेंडशिप डे पे आप बनाओ अपने फ्रेंड्स के लिए कार्ड और उनको करो इम्प्रेस की हाउ क्रिएटिव यू आर। बट उसके पहले मेरा वीडियो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे कुछ नई क्रिएटिविटी के साथ। बाय बाय, सी यू।